किन लोगों के पैर छूना वर्जित माना गया है? हिंदू धर्म में माना गया है कि दामाद से चरण स्पर्श कराने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शादी के समय लड़की के माता पिता दामाद के चरणों को स्पर्श करके उन्हें धोते हैं। ऐसे में दामाद से चरण स्पर्श नहीं कराने चाहिए। दामाद के प्रणाम करने पर उसे दूर से ही आशीर्वाद देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं या छोटी बच्चियों को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर वे किसी के पैर छू लेती हैं तो वह व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। कभी भी मामा मामी के पैर नहीं छूने चाहिए। कहा जाता है कि भांजा भांजी मामा मामी के लिए पूजनीय होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र और साझेदारी का होता है, लेकिन इसके बाद भी पति को अपनी पत्नी के पैर कभी नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से पत्नी के पतिव्रता धर्म में बाधा उत्पन्न होती है। घर की बेटियों को अपने माता पिता के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से माता पिता पाप के भागीदार बनते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, शमशान से लौटे हुए किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, ना ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शमशान से लौटे व्यक्ति का मन दुखी होता है, इसलिए वह मन से खुश होकर आशीर्वाद नहीं दे पाते। तपस्या और ध्यान में लीन साधु महात्माओं के पैर भी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका ध्यान भंग हो जाता है और हमें भी ऐसा करने से दोष लगता है। किसी भी सोते या लेटे हुए व्यक्ति के पैरों को नहीं छूना चाहिए। लेटे हुए व्यक्ति के पैर तभी छुए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों में बने एक्यूप्रेशर पॉइंट में रगड़ होती है और इसके दबाव से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।